अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल यू आर फाइन एंड शाइन एट योर होम्स। आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बुक वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द नेम ऑफ आवर बुक। द बुक नेम इज ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स। इट इज़ योर रिवाइज्ड एडिशन एंड दिस बुक इज़ फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स। Now come to our first chapter, which name is how does a computer work, mean ki computer aapke paas kis tarike se kaam karta hai. Here we have the learning objectives. हमारे पास यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मीन्स कि इस चैप्टर में क्या ख़ास बात की गई है और आपने आज इस वीडियो में या इस लेक्चर में आपने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। नंबर वन आपके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, मींस कि आपने इस चीज़ के बारे में जानना है कि इनपुट आपके पास क्या चीज़ है, प्रोसेस किसे कहते हैं एंड आउटपुट को क्या कहा जाता है। नंबर टू आपके पास है मैन वर्सेस कंप्यूटर, मैन मीन कि इंसान का मुकाबला कंप्यूटर के साथ कैसे किया जा सकता है। नाउ कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर आपके पास क्या चीज़ है, कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन डू फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशंस। कंप्यूटर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मीन्स ये ऐसा डिवाइस, एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की मदद से चलती है, जो कि आप लोगों के लिए फास्ट, जल्दी, आसान तरीके से और सही जो है कैलकुलेशंस करता है। मींस कि आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होती हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और बहुत फास्ट तरीके से हो सकती है। इसके अलावा भी आप कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस को प्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रिसीव आवर इनपुट प्रोसेस ऑन इट एंड गिव्स आउटपुट। मीन कि कंप्यूटर को आप लोग इनपुट देते हो, कोई कमांड वगैरह देते हो, कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, कंप्यूटर उस चीज़ को प्रोसेस करता है, देन आपके पास आउटपुट देता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन करने के बाद आप उसको रिफ़्रेश करते हैं, आफ्टर दैट आप किसी भी गेम वगैरह को ऑन करते हैं यानी ओपन करते हैं, आप कंप्यूटर को कमांड देते हो कि इस गेम को ओपन किया जाए, तो वो प्रोसेस होती है और आपके सामने ओपन हो के सामने आ जाती ये मीन्स के आप के पास गेम आ जाती है, आप उसको प्ले करने लगते हो, तो इट्स मीन के वो आउटपुट आपको दे देता है। जैसे कि आपके पास हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर याद रखें, काम करने के लिए कंप्यूटर में तीन चीज़ों का मजमुआ होता है। नंबर वन इज इनपुट। इनपुट का मतलब है टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू। इनपुट उस चीज़ को कहती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, हदायत देते हैं, कमांड देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड की मदद से हम टाइप करते हैं, हमें जो काम करना है हम उस चीज़ को टाइप करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, तो इस चीज़ को हम लोग इनपुट कहते हैं। दूसरा आपके पास आता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है अमल करना, ठीक है, सॉल्व द प्रॉब्लम मीन्स के वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है सीपीयू पे। सीपीयू क्या होता है, आपके पास ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जैसे आप ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लें कि आपको जो काम भी करना होता है, कुछ भी, तो आप अपने माइंड को यूज़ करते हो, आपका माइंड आपको जिस डायरेक्शन पर लेके चलता है आप उस डायरेक्शन पर चलते हो। तो प्रोसेस में आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका सीपीयू प्रोसेस करता है आपके दिए गए कमांड को, आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, अमल मिलाता है। देन वी हैव आउटपुट। आउटपुट कहते हैं रिजल्ट देना, गिव्स यू द रिजल्ट। आपको आउटपुट नजर आता है, कहां पे नजर आता है, आप अपना रिजल्ट कहां देखते हो, जाहिर सी बात है आप कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर स्क्रीन में अपना रिजल्ट देखते हो। आपने जो चीज कंप्यूटर को दी है वो आपने फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड से दी है, प्रोसेस हुआ है सीपीयू में और इसका नतीजा, उसका रिजल्ट आप लोग उसकी स्क्रीन पर देखते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकती हूँ, डेली लाइफ में भी हम इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम आपको ये कह सकते हैं
कि आप टीवी को ऑन करना चाहते हो, आप टीवी पे कोई भी इंटरटेनमेंट चैनल या कार्टून वगैरह देखना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, रिमोट उठाते हो, ठीक है, टीवी रिमोट उठाते हो। रिमोट क्या है, रिमोट में आप पावर ऑन का बटन प्रेस करते हो, ये आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया है, ठीक है। वो टीवी जो है आपके सामने क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ऑन होती है। वह जब ऑन होती है तो इलेक्ट्रिसिटी ने प्रोसेस किया और आपके सामने जब कार्टून स्क्रीन आ जाती है तो वो आपके पास आउटपुट हो जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जिसकी मदद से आपको ये टॉपिक और भी क्लियर हो सकता है। ये देखें, मैंने ऐसे इमेज रखी है ताकि आप लोग इसको आसानी से समझें। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, ये आपके पास इंग्रेडिएंट्स, आपके पास ब्रेड है, मोयनीस है, टोमेटोस है एंड क्यूकम्बर यानी कि खीरा एंड चीज़ है, ठीक है। ये अब आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स है, सारा सामान है जो सेपरेट सेपरेट पड़े। आपने क्या करना है, इन सारे सामान को प्रॉपर तरीके से, ये आपके पास सारा सामान है, ठीक है, ये आपके सारा सामान बिखरा बिखरा है, ठीक है। आपने इन सब को प्रॉपर कटिंग करनी, कटिंग करके आपने ब्रेड में लगा दिया और ये आपके पास एक प्रॉपर सैंडविच तैयार हो गया। तो आपको भूख लगी है तो आप खा लोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने और एग्जांपल्स दी है अपनी डेली लाइफ के ताकि आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये आपके पास है एटीएम कार्ड, आप लोगों के बाबा मामा के पास जो है एटीएम कार्ड ज़रूर होंगे। ये एटीएम कार्ड बजाते एक एटीएम कार्ड होता है, ठीक है। आपने इस एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में स्वैप करना पड़ता है, जितने भी पैसे चाहिए आप लोग उसमें से लिख सकते हैं और आपके पास क्या आउटपुट में ये रिजल्ट आ जाता है, मतलब कि आपके पास क्या आ जाता है, पैसे आ जाते हैं। तो आपने क्या इनपुट किया, इनपुट आपने किया एटीएम कार्ड को, प्रोसेस कहाँ हुआ, मशीन के अंदर प्रोसेस हुआ और आपको रिजल्ट में क्या, आउटपुट में क्या मिल गया, ये नोट मिल गई, ये पैसे मिल गए। इसके अलावा एक और आसान सी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। आपके पास ये डिफरेंट ऑरेंजेस हैं, ठीक है, इन ऑरेंजेस का आपने जूसर मशीन में डाल दिया, ठीक है, फिर आपने इसको ग्राइंड किया और आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, जूस आ गया। तो मतलब कि आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हो, हम किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं तो पहले ज़रूरी है कि हम उस चीज़ का क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, इनपुट को प्रोसेस किया जाता है, देन हमारे पास क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। इस रिजल्ट को कंप्यूटर लैंग्वेज में आउटपुट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको ओवरऑल लेक्चर था। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप हमें पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं और आप लोगों का ये होम असाइनमेंट है कि आपने बुक के इस पेजेस को अच्छे तरीके से रीड करना है। ये जो चीज़ आपको मैंने समझाई है इसकी एक्सप्लेनेशन आपने करनी है। अदरवाइज अगर कोई भी इशू होगा तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।